ऐसा लगता है कि तेरा या तेरे किसी जानने वाले का रेप हुआ है। एक बात बता, तू किस हद तक जाएगा ऑफिसर अपने माजी को बदलने के लिए? किसी भी हद तक आई गेस ये चीज हमें कॉमन है फिर। हाँ, एक चीज़ कॉमन है, तूने बताया नहीं। मेरी माँ का सॉरी फॉर योर लॉस। कर अफसोस, किसी ने नहीं था किया, तू भी ना कर। क्या हुआ था? मैं बहुत छोटा था तब जब मेरा बाप हमें छोड़ गया। मेरी माँ जवान थी, बहुत खूबसूरत थी ऑफिसर। हम झोपड़ी में रहते थे, वो लोगों के घर में सफाइयाँ करती थी, मेहनत करती थी ताकि मेरे लिए। लेकिन ना वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती की वजह से वो मर गई। उसकी खूबसूरती ही उसकी मौत की वजह बनी ऑफिसर। वो ना काफी अमीरों के घरों में भी काम करती थी। एक दफा वो काम कर रही थी तो उस घर के जो मालिक था ना, उसने बस उसको गलत वक्त देख लिया, खवार हो गया था वो उसके पीछे। पैसे देता था बहुत, बस एक दफा मेरे साथ बिस्तर पे आ जा। मेरी माँ नहीं मानी, हिस्सादार थी, अमीर था ना वो, दिमाग घूम गया उसका। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था, जैसे सब बच्चे खेलते हैं। तू भी खेलता था ना ऑफिसर? फिर मैं जब वापस आया मुझे पता लगता है कि तीन आदमी आए थे जिनमें से एक वो था। तीनों ने मेरी माँ का रेप किया था ऑफिसर, बार 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 उसने इतनी चीखें मारी, इतना चिल्लाई, पूरी बस्ती ने उसकी चीखें सुनी। कोई बचाने नहीं आया उसे। मैं उधर पहुंचा ना ऑफिसर, उसकी लाश खून में लथपथ पड़ी थी। इतना खून था, इतनी बेदर्दी से मारा था उन्होंने उसे कि मुझे उसकी खूबसूरत शक्ल नजर नहीं थी आ रही। अकेला मैंने उसको उठाया, मैं बाहर गया, मैंने मदद मांगी लोगों से, कोई नहीं आया। तेरा ये जो जस्टिस सिस्टम है ना, मैं इधर भी आया, पुलिस वालों के पास गया, बाहर खड़ा रहा गर्मी में कितने कितने दिन, किसी ने मेरी नहीं सुनी। क्यों? मैं गरीब था और वो अमीर, इसलिए। फिर ना मैंने इंतजार किया, जैसे इस मुल्क के अंदर ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। मैंने इंतजार किया इंतकाम के लिए। जब मौका मिला ना मुझे, मैंने उस बंदे को पकड़ लिया कुछ सालों के बाद। उसको मैंने बिठाया, उसके मैंने हाथ पैर बांध दिए, फिर उसके सामने मैंने वो सब कुछ किया जो उसने मेरी माँ के साथ किया था। मैंने वो सब कुछ उसके घर वालों के साथ किया ताकि उसको पता लगे ना ऑफिसर मेरी दर्द, मेरी
मेरी तकलीफ, मेरी बेबसी, वो सब कुछ देखने के बाद भी ना ये मादर चोद मुझे खरीदना चाह रहा था, कहता है पैसे ले ले छोड़ दे। नहीं, उसने मेरी माँ का गला काटा था, मैंने भी उसका गला काट दिया। It's just served. तू बता मुझे अपने ऑफिसर, तेरी माँ कहाँ है? क्या उसको पता है उसका बेटा इतना बड़ा चूतिया है? वो सुनिया में नहीं रही। मैं 15 साल का था, 5 साल तक कैंसर से लड़ती रही। चलेगी? बात समझ में नहीं आई। मैं तो शैतान, मैं बुरा हूं, तू तो एक अच्छा इंसान है ना ऑफिसर। तो खुदा ने तुझसे तेरी मां की छीनी? देख रहे, ये मेरे बाप ने मेरे साथ किया था। बार बार सेन की लाइट ऑफ करता था, बार बार जलाता था, मुझे खेलना था। उसने इसे पकड़ा, मेरी मां चीखती रही, जब भी मेरा बाप मुझे मारता था मैं सोचता था मैं बड़ा होकर अपने बाप जैसा कभी नहीं बनूंगा। और मजे की बात यह है कि मेरा बच्चा अब यह सोचता होगा कि वो बड़ा होकर मुझ जैसा नहीं बनेगा, तो कहता कि मैं अच्छा इंसान। अच्छा इंसान नहीं हूं, इस गलीज मुआशरे का हिस्सा हूं। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ना, मुनाफिकों से भरा हुआ है। यहां जस्टिस जो है इंसानियत देख के नहीं मिलता, यहां जस्टिस जात पैसा देख के मिलता है। कहता तुझे इंसाफ नहीं मिला, पता क्यों नहीं मिला? क्योंकि तू झोंपड़ी में रहता था, तू गलीज है, तू बदसूरत है। इतने बच्चों का रेप हुआ, किन्हें इंसाफ मिला? उन्हें जिनकी नीली आंखें थीं, गाल लाल थे। जस्टिस जस्टिस हैशटैग चल रहे हैं, बाकियों का क्या? लोगों ने एक दिन उनके लिए आवाज उठाई, भूल गए? मैं अच्छा इंसान, मैंने इतने केसेस, इतने लोगों को इंसाफ मिलने के मौके अपने हाथ से गुवाए। मैं उन्हें इंसाफ दे सकता था, क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं डरता था, जो डर था वो मुझे मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। अच्छा इंसान, हमारी माएं पता है आज क्यों नहीं जिंदा? क्योंकि अगर वो आज जिंदा होती हम दोनों को इस हाल में देख के मर जाती। तूने देखा ऑफिसर,
झोपड़ी में रहता था, मेरी माँ जैसे मरी, तू मिडिल क्लास, तेरी माँ कैसे मरी, यहां पे भी फर्क आ गया हम दोनों में। लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे, सच्चाई यही है। इट इज व्हाट इट इज। It is what it is.